चैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम को लेकर शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो विज्ञान विषय के प्रश्न हैं, आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएँ अत्यधिक हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन पहला है वोल्टमीटर से, दूसरा है बैरोमीटर से, तीसरा है गैल्वेनोमीटर से और चौथा ऑप्शन है थर्मामीटर से। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो साथियों, चिपको आंदोलन है ये वन संरक्षण से संबंधित है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी अंगों में विभक्त हो जाने की घटना को प्रकाश का कहते हैं? श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी अंगों में विभक्त हो जाने की घटना को कहते हैं प्रकाश का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ग विक्षेपण। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब में देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात जो दांतों का डॉक्टर होता है वह जो है किस दर्पण का प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर का तापी परास कितना होता है? साथ उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 35 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड, अर्थात 35 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड की बीच का तापमान जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है? तो साथ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर और अनंत। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आभासी और बड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ नहीं है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जस्ता, जबकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये सभी चुंबकीय होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्टर्ड ने। अगला प्रश्न है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। ध्यान देना, नाभिकीय विखंडन क्रिया जो है इससे बम का निर्माण किया जाता है और जो है नाभिकीय संलयन क्रिया से सूर्य जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है और जो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया से परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों, जब इसको आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो साथ इसका सही उत्तर है केरोसिन। जैसा कि आप जानते हैं, गोंद है, प्लाईवुड है
और सील करने की लॉक वगैरह है, ये सब हमें वनों से प्राप्त होगा। अर्थात जो प्लाईवुड है वो भी लकड़ी होती है, और जो लाख है ये लाख की पेड़ से प्राप्त होती है। इस प्रकार से वन उत्पाद नहीं है, केवल कैरोसिन है। कैरोसिन जो है पेट्रोलियम उत्पाद है, यह हमें धरती के नीचे से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीसा संचायक सेल। साथियों अगला प्रश्न है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीलिया। अगला प्रश्न है, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रक। अगला प्रश्न है, केचुए का श्वसन अंग क्या होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्वचा। अर्थात केचुआ जो है त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, यूरिया उर्वरक है, अर्थात यूरिया जो है कैसा उर्वरक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजनी। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तना के द्वारा। अगला प्रश्न है, निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। अगला प्रश्न है, रोग का टीका लगाया जाता है, अर्थात इनमें से किस रोग का टीका लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टाइफाइड का। अगला है, रूह और कतला क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि रूह और कतला जो हैं मछली की एक प्रजातियां होती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व कौन सा होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, साहीवाल किसकी नस्ल है? तो जो साहीवाल होती है ये गाय की नस्ल होती है। अगला प्रश्न है, ध्रुवी भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्वेत बाल अथवा फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। अगला प्रश्न है, जैलम ऊतक का कार्य क्या होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है जैसे जैलम अर्थात जल का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन की दर कितनी होती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 70 से 80 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, गैल्वनीकरण क्या कहलाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहा परिवर्तित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड में। अगला प्रश्न है, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्यूटेन। साथ ही ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो जो मार्स गैस होती है इसको मिथेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, +2। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जंग लगना। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन में मुख्यतः कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो जो फ्लोरीन होता है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है?
तो जो बेकिंग सोडा है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात जो खाने का सोडा है इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। तो साथ ही इस प्रकार से विज्ञान विषय के 35 प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।